इज्तमाही कोशिशों से मुल्की मुआशी सूरतहाल बेहतर हो रही है। फिफा की काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ का कहना था कि हमारी एक्सपोर्ट और तसरियात ज़र में इजाफा हुआ। पौने दो माह की इज्तमाही कोशिश से मुआशी सूरतहाल बेहतर हो रही है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ सरमायाकारी पर मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इनका कहना था कि बिजली की चोरी में कमी लाने और ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए हैं। कल सिगरेट से मुतालिक ट्रैक एंड ट्रेस की रिपोर्ट आई। 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहिदा किया गया। पहले मरहले में सिर्फ सिगरेट और बाद में खाद, चीनी, दीगर सेक्टर शामिल किए गए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ न था। सिगरेट से मुतालिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि FBR अरबों खरबों कमाता है, ये पैसे ज़रूर कौमी ख़जाने में आएंगे। ये पैसे कौमी ख़जाने में ना तो हमें हुकूमत करने का हक नहीं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मामले पर 72 घंटे में कमेटी रिपोर्ट देगी। इससे ज्यादा बददियानती क्या होगी कि मुआहदे में पेनाल्टी क्लॉज नहीं डाली गई। ट्रैक ट्रेस सिस्टम जैसा मुआहदा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वाजबात लेना FBR का काम है। वो इनसे कह रहे हैं कि खुद ही पैसा लगाकर वाजबात अदा करें। नादरा की जानिब से बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस 3 करोड़ स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2022-23 की जारी करदा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी की फाइल की जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि नादरा इंतजामिया को चाहिए था कि वह हतमी मुंतखब बोली दहिंदा के हवाले से सरकारी एजेंसियों से सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करती। ऑडिटर्स ने 29 सितंबर 2022 को नादरा इंतजामिया से कहा कि स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी के हवाले से किसी भी मुतलका सरकारी इंटेलिजेंस इदारे से क्लियरेंस का रिकॉर्ड दिया जाए। रिकॉर्ड ऑडिट के लिए नहीं दिया गया, जिससे जाहिर होता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों से क्लियरेंस नहीं ली गई थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बोली दहिंदगान की जानिब से जमा कराई गई बोलियों का भी जायजा लिया गया और ये बात सामने आई कि इंतजामिया ने बोली से मुतलिक दस्तावेजात और मुतलका हवाला जात की सच्चाई और सदाकत को यकीनी बनाने के लिए बोली की दस्तावेजात की तस्दीक नहीं करवाई। मरियम नवाज़ के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर PTI की तनकीद पर उज़्मा बुखारी के जवाबी वार। कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तलाफ़ और PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि यह मुल्क में क्या हो रहा है, आज चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में परेड में आ गई, ये गैर संजीदा हुकूमत है, ना कोई पॉलिसी बयान, ना महंगाई पर कोई बात। उमर अयूब ने कहा है कि आज बिजली का रेट 85 रुपये यूनिट है, गैस का रेट 4 गुना बढ़ गया, IMF के साथ 870 अरब रुपये पेट्रोलियम लीवी का मुआहिदा साइन किया हुआ है, सोने पर सुहागा 100 अरब रुपये मजीद पेट्रोलियम लीवी कर दिया है, ये आवाम की जेब से जाएगा। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार ने उमर अयूब के बयान पर स्पीकर से एहतजाज करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर मुसलसल रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनका यह इस्तेहकाक नहीं कि जब चाहे खड़ा होकर तकरीर कर लें, किसी पर भी तनकीद कर लें। अपोजिशन लीडर खड़े हुए, आपने माइक खोला और वो शुरू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान का DTO का धरना 2 जजों ने रिवर्स कराया, फैसल बावड़ा का दावा। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में फैसल बावड़ा ने कहा है कि उन 2 जजों ने बानी PTI इमरान खान से राबता किया और गारंटी दी थी कि धरना रिवर्स कर लें, आपकी बातें मान ली जाएंगी। फैसल बावड़ा ने कहा है कि बानी PTI ने 4 लोगों को ये बात बताई थी, अगर अदालत ने इन्हें बुलाया तो वो मजीद तफसील बताने के लिए तैयार हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सैनेटर फैसल बावड़ा ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि हमारे बनाए हुए कानून को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, हम इस ऐवान में अपने पेटी भाइयों का दिफा करेंगे।